गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक, जो टॉपिक है आपका एडेप्टेशन। पहले भी आप लोग पढ़ रहे थे, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहले इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को करा दूँ, उसके बाद जो है मैं आपको आगे और पढ़ाऊँगा भी। तो आप लोग अब क्या करें कि आप लोग अपने पास एक नोटबुक ले लें, कॉपी है ना, और कॉपी लेने के बाद आप लोग क्या करें कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखूंगा, आप लोग लिखेंगे। आज जो है मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए एडेप्टेशन लेशन का, एडेप्टेशन है ना, लेशन का क्वेश्चन आंसर है ना। तो आप लोग अपनी नोटबुक पे, आप लोग जैसे जैसे आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा आप लोग यहाँ से कॉपी करेंगे, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो इसका है वो है आंसर दिस, वो है आंसर दिस क्वेश्चन। आप लोग बुक से भी अपना मिला लेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन आंसर दीज, और पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर एडेप्टेशन, व्हाट आर एडेप्टेशन, एडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसके आंसर को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, कि एडेप्टेशन से हम लोग क्या समझते हैं। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग कॉपी अपना निकाल के रखें, है ना। चलिए लिखिए आंसर कि एडेप्टेशंस, एडेप्टेशंस आर बिहेवियर्स, आर बिहेवियर्स, बिहेवियर्स और फीचर्स, और फीचर्स दैट मेक, दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म, एन ऑर्गेनिज्म द बेस्ट, द बेस्ट सूटेड, द बेस्ट सूटेड टू इट्स वे, टू इट्स वे ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ। समझाते भी मैं चलूंगा, जब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख लेता हूं उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा पहले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है कि मेंशन वन एडेप्टेशन, मेंशन वन एडेप्टेशन दैट हेल्प्स, दैट हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक, यहां पर थोड़ा सा मीनिंग गलती हो गया है, मैं सुधार लेता हूं इसको, है ना, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूं। एक्वेटिक, यहां पे देखिए ये एक्वेटिक इस तरीके से नहीं होता है, है ना, मुझसे गलती हो गई थी। चलिए एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स लिव इन वाटर, लिव इन वाटर। चलिए पहले पहले सवाल को हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल का जवाब को लिखेंगे। सवाल ये था कि वाटर एडेप्टेशन, एडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं, एडेप्टेशन से हम लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में हमको लिखना था, है ना। तो मैंने लिखा है कि एडेप्टेशन आर बिहेवियर्स और फीचर्स दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म द बेस्ट सूटेड टू इट्स वे टू लाइफ। एडेप्टेशन एक प्रकार का जो होता है जीव जंतुओं के रहने सहने के लिए जितने भी चीजों को जरूरत होती है, उन सारी चीज अगर जिस जगह पर उनको अच्छे तरीके से मिलता है तो इसी को कहा जाता है एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूलन। अगला सवाल है कि मेंशन वन एडेप्टेशन दैट हेल्प एक्वेटिक प्लांट्स लिव इन वाटर, एक ऐसा एडेप्टेशन बताना है जिसमें क्या एक्वेटिक प्लांट्स क्या करता है, लिव्स रह जाता है पानी में। तो मैं लिखता हूं कि इन द एक्वेटिक प्लांट्स, इन द एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स देयर लिव्स, देयर लिव्स एंड स्टेम्स, एंड स्टेम्स हैव लॉट ऑफ एयर स्पेसेस, हैव लॉट ऑफ एयर स्पेसेस इन विच दे, इन विच दे स्टोर, इन विच दे स्टोर देयर एयर सप्लाई, इन विच दे स्टोर देयर एयर सप्लाई। दिस मेक्स, दिस मेक्स देम लाइट, मेक देम लाइट एंड हेल्प्स, एंड हेल्प्स देम फ्लोट, हेल्प्स देम फ्लोट। तो ये रहा दूसरा सवाल का जवाब, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, लेकिन लिखा हुआ है कि एक्वेटिक प्लांट्स में, जलीय पौधों में, उनका जो लिप्स होता है और स्टेम होता है उसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा एयर सप्लाई को स्टोर कर सकते हैं, और इसी के कारण वो जो होते हैं पानी में हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के कारण वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं।
तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए मैं चलता हूं तीसरे सवाल की ओर, मैं चलता हूं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल जो आपका है वो है हाउ डू स्पाइन्स, हाउ डू स्पाइन्स हेल्प कैक्टी सर्वाइव इन डेजर्ट, सर्वाइव इन डेजर्ट्स, है ना क्वेश्चन मार्क। चलिए कि कैक्टी जो होता है कैसे रह जाता है डेजर्ट में, है ना। तो आप जानते हैं कि कैक्टी जो होता है, कैक्टी है, चलिए पहले मैं आंसर लिख लेता हूं उसके बाद ही समझाऊंगा। मैं लिखता हूं कि कैक्टी हैव स्पाइंस विच आर अ स्पेशल लिव्स दैट रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, द लॉस ऑफ वाटर फुल स्टॉप, दे ऑल्सो अ स्टोर वाटर इन देयर थिक अस्पॉन्गी अस्टेम। यह है तीन नंबर सवाल का जवाब। पहले मैं चार नंबर सवाल लिख लेता हूं उसके बाद मैं आपको तीन नंबर समझाऊंगा। सवाल है कि मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक दैट हेल्प्स a camel put up with shortage of water। चले पहले तीन नंबर में समझा देता हूं उसके बाद चलूंगा मैं, है ना। लिखा हुआ है कि ये जो होते हैं आपके स्पाइंस कैसे हेल्प करते हैं कैक्टी को सरवाइव करने में डेजर्ट में, किस तरीके से डेजर्ट में इन लोगों को रहने में हेल्प करते हैं। तो आप जानते हैं कि कैक्टी जो होता है उसका जो स्पाइन होता है वो एक प्रकार का लिव्स होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है लिव्स। और लिव्स का एरिया कम होने के कारण जो इवापोरेशन प्रोसेस होता है उसमें से वो होता है बहुत कम। साथ में ये अपने स्टेम में जो मोटे मोटे और स्पॉन्गी स्टेम होते हैं उसमें पानी एकत्रित भी कर लेता है। चलिए अब आते हैं हम लोग कैमल वाले में। जवाब लिखता हूं मैं यहाँ पे, है ना, कि मैं यहाँ पे लिखता हूं कि कैमल कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन गो एंड पासेस वेरी लिटिल यूरिन फुल स्टॉप, है ना। सो इट कैन मैनेज without water for long spells, है ना। लिखा हुआ था कि कैसे जो आपका कैमल होता है कि कम पानी में भी डेजर्ट जैसे जगहों पर जीवित रह जाता है। तो उसके बारे में मैंने लिखा है कि कैमल जो होता है एक बार में ही बहुत सारा पानी पी लेता है और साथ में जो यूरिन का मात्रा होता है वो बहुत कम एक्सपेल करता है अपने बॉडी से, है ना, जिसके कारण होता क्या है कि ये पानी के बगैर लंबे समय तक भी जीवित रह पाता है। तो ये सारी बातें थी। चलिए अब और आगे हम लोग चलते हैं, पहले इसको मैं मिटा लेता हूं। चलिए पांच नंबर सवाल की ओर मैं चलता हूं। पांच नंबर सवाल है कि why do herbivorous mammals have eyes set on the sides of their head question mark
आंसर है ना कि जो मैमल्स होते हैं उनके जो आंख होते हैं है ना वो रहते हैं साइड्स में है ना, तो ऐसा क्यों होता है इसके कारण, तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे कि मोस्ट ऑफ द हर्बीवोरस मैमल्स, मोस्ट ऑफ द हर्बीवोरस मैमल्स हैव आइज ऑन द साइड्स ऑफ देयर हेड फुल स्टॉप. दिस हेल्प्स देम लुक अराउंड वेटर फुल स्टॉप. मेनी मूव अराउंड इन हर्ब्स और ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स बेटर फुल स्टॉप. लिखा हुआ कि हर्बीवोरस मैमल्स जो होते हैं उनके आंख जो होते हैं उनके साइड्स पे होते हैं, इसलिए कि वो चारों ओर अपनी अच्छे से देख सकें, जिसके कारण वो क्या कर सकें कि वो किसी भी खतरों से अपने आप को बचा सकें. इसके लिए वो लोग करते क्या है कि एक तो आंख उनके होते हैं साइड्स में, और साथ में वो लोग जब भी चलते हैं तो लोग झुंड बना के चलते हैं. जब भी चलते हैं तो कैसे चलते हैं, झुंड बना के ग्रुप में चलते हैं, है ना. तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर. अब इसके बाद जो है वो है आपका क्या, तो वह है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह. आइए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स हेडिंग है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहां पे. चले पहला नंबर में लिखा हुआ है कि कैक्टी स्टोर वाटर इन देयर स्पॉन्गी स्टेम. यहां पे भरना था, भर मैंने क्या दिया, स्टेम. सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि कैमल्स स्टोर फैट इन देयर यहां पे क्या होगा, हम कूले में वो क्या करता है कि वो अपना जो होता है स्टोर कर लेता है फैट. द बोन्स ऑफ ए बर्ड आर हॉलो, इसी हॉलो को भरना था, हॉलो टू मेक इट लाइट है ना. चलिए चार नंबर सवाल की ओर चलता हूं मैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ फिश पासेज आउट फ्रॉम इट्स और यहां पे भरना है तो मैं भर दिया क्या, गिल्स. पांच नंबर सवाल है कि इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन लिक्विड फूड हैव अ ट्यूब लाइक माउथ. तो यहां पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी क्या कर दिया, भर दिया. तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया. आने वाली वीडियो में मैं आपको लेसन पढ़ा भी दूंगा, और पढ़ाने के साथ साथ मैं इसका बचा हुआ जो रह गया चूज द करेक्ट ऑप्शन मैं वो भी करवा दूंगा. तो आप लोग इतना दूर क्या करेंगे कि आप लोग होमवर्क के तौर पर इसको करेंगे, है ना. और होमवर्क के तौर पर करने के बाद आप लोग इसको 4 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे, है ना. और अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि इस नंबर पे आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज कीजिएगा. तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही, है ना. अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे इसी लेसन के, है ना, साथ. तो तब तक के लिए आप लोग